आइए अब खबरें देखते हैं डूंगरपुर शहर से। पिछले दिनों राजस्थान के अंदर रीट परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस दौरान बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में बाहर के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में परीक्षा देने पहुंचे थे। नगर परिषद डूंगरपुर के सभापति के गुप्ता द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। बाहर से आए अभ्यर्थियों के लिए रहने खाने एवं ठहरने के साथ साथ सभी तरह की सुविधाएं प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई। नगर परिषद द्वारा रीट अभ्यर्थियों को निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था करा नगर परिषद डूंगरपुर ने एक अनूठी पहल की है। आज अध्यापक पात्रता परीक्षा के तहत नगर परिषद क्षेत्र में आए हुए सेंटर के अभ्यर्थियों के लिए नगर परिषद सभापति के गुप्ता ने परीक्षा से पहले एक अनूठी पहल करते हुए अभ्यर्थियों के लिए रात को सोने के लिए पर्याप्त व्यवस्था के तहत 6 रैन बसेरे व शहर के आश्रय स्थलों में अभ्यर्थियों को ठहराया और पर्याप्त सोने की व्यवस्था करी। वहीं नगर परिषद सभापति ने आज सुबह अभ्यर्थियों के लिए सुबह के भोजन की व्यवस्था भी की। इस व्यवस्था को देखते हुए बाहर से आए अभ्यर्थियों ने परीक्षा से पहले राहत की सांस ली। इधर नगर परिषद के सभापति की ओजस्वी मुख्यमंत्री जिनका एक सपना है कि किसी भी बेरोजगार को रोजगार देना, और वो सपना निश्चित रूप से ये सरकार साकार भी कर रही है। 35,000 बच्चों को जो रीट की परीक्षा दे रहे हैं अब नौकरियां मिलेगी, ये सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है और राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। डूंगरपुर द्वारा जितने भी विद्यार्थी हमारे डूंगरपुर में आए हैं, हमने सबसे पहले तो प्रयास किया कि उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए, और हमने ये प्रयास हमारा सफल भी रहा। हमने रात्रि के अंदर एक साधन भी उपलब्ध कराया जो बस स्टैंड पर हमारी गाड़ी रही। नगर परिषद के काफी कर्मचारियों की ड्यूटी हमने जगह जगह लगाई। शहर में जितने भी बच्चे आए थे वो सारे बच्चे कुछ को हमने बस स्टैंड पर ठहराया, कुछ को हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल पर ठहराया, और हमारे रेन बसेरा जो 2 रेन बसेरा थे उनमें भी बच्चों को ठहराया। और हमने प्रातः सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे इस नगर के अंदर ठहरे थे, उन सभी बच्चों को हमने सुबह 6 बजे से लेकर अभी भी हमारे पैकेट व्यवस्था चालू है जिसके अंदर हमने भोजन की व्यवस्था की है। मैं धन्यवाद, और जिन्होंने हमारी सेवाओं का लाभ लिया उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना कर